फ्रेंड्स, दिल्ली से एक खबर आ रही है। करेंसी एक्सचेंज के नाम पर एक स्नैचिंग हुई है और स्नैचिंग की है दो यंग डियो ने। दो यंग डियो का मतलब है कि एक मेल जो कि 25 इयर्स के हैं और एक फीमेल जो कि 26 साल की हैं। यंग फीमेल एस्पायरिंग सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मिस दिल्ली फैशन डिज़ाइनर, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोफेशनल पोकर प्लेयर हैं। ये खबर आई दिल्ली से। दिल्ली में एक करेंसी एक्सचेंज के नाम पर स्नैचिंग हुई अबाउट 3,300 US dollars की। तो क्या है पूरी खबर, मैं आप लोगों को बता दूं। एक FIR लॉन्च की गई मनोज सूद द्वारा, जिन्होंने बताया कि दो यंग मेल एंड फीमेल द्वारा एक कॉल आया एक्सचेंज में और ये कहा गया कि हमको मनी एक्सचेंज करनी है विच इज़ इक्वलेंट टू 3,300 US dollars। जब पंचिल क्लब में बुलाया गया, पंचिल क्लब में जब बुलाया गया तो उनसे ये कहा गया कि आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठकर चलिए, हमें पैसे एटीएम से विड्रॉ करने हैं। और एटीएम से विड्रॉ करने के बहाने उनसे पैसे छीन लिए गए और जब ऑफिशियल्स द्वारा, पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा सर्वेलेंस में पता चला कि ये लोग गोवा में अवेलेबल थे, तो फिलहाल इन दोनों लोगों को गोवा से पकड़ लिया गया है। छीने हुए पैसे इनसे खर्च हो चुके हैं, ये गोवा होटल में, फाइव स्टार होटल्स में पैसे खर्च कर चुके हैं। तो फिलहाल एक खबर आई दिल्ली से जहां पर दो यंग लोगों द्वारा स्नैचिंग का केस मामला सामने आया और आइडेंटिफाई हो गए हैं और दोनों अब हिरासत में है। तो फिलहाल दोनों को गोवा से पकड़ा गया जहां पर इन्होंने कहा कि चुराए हुए, स्नैच किए हुए पैसे हमने खर्च कर दिए हैं फाइव स्टार होटल में ऑन प्लेइंग पोकर इन कैसिनोस। तो फिलहाल इनको पकड़ा गया सीसीटीवी फुटेज की सहायता से। दिल्ली से अब इतना ही, धन्यवाद।